नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज के दिन काफ़ी हटके गेम खेलने वाले हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा हटके गेम है एक्चुअली, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हटके गेम है। और सबसे अच्छी बात है कि ये गेम थोड़ा बहुत लॉजिकल भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फन के लिए है। मैं देखना चाहूँगा कितना बढ़िया है ये, क्योंकि ऑन पेपर देखा जाए तो काफ़ी कुछ ऑप्शन दिए गए इसमें। सिंपल प्लेन नाम है गेम का, आपको इसकी डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आज क्या करने वाला हूँ, मैं अपना पहला प्लेन बनाने वाला हूँ। मेरा पहला प्लेन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, गन ट्रेनिंग है और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपना पहला प्लेन यहाँ बनाऊँगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों से प्लेन बनाएंगे, उसके विंग्स, उसका आगे का हिस्सा, कई लॉजिकल चीज़ें भी होंगी, मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा बनाने में, ये कन्फर्म है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो कैमरा है वहाँ रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये भी जो प्लेन का है, ये हिस्सा खाली एक ही है, इसका नाम क्या है वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे 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 हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी इसके बारे में। हाल फिलहाल कैमरे को रीसेट करने को कह रहे हैं, तो यहाँ पर कैमरा रीसेट हो गया है। अब ये बता रहे हैं कि जो प्लेन के हिस्से हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक एक करके यहाँ पे पार्ट ऐड करने होंगे। ये बता रहे हैं हम उस हिसाब से अभी कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्लेन होगा गेम का जो हम लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं प्लेन उड़े ज़बरदस्त। मेरा पहला प्लेन है इस गेम का, और अगर आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग प्लेन के साथ, प्लेन की डिज़ाइन के साथ, उसके विंग्स के साथ, उसका जो अलग अलग इंजन होते हैं वो सब भी ट्राई करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे और कई फन एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ये बता रहे हैं कि आगे के हिस्से में भी एक हिस्सा आएगा ब्लॉक का, ताकि जो प्लेन का सेप है नुकीला वाला वो बन जाए। देखिए, तो काफ़ी हद तक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इसका नोज़ कौन है, देखिए इसका नाम मुझे पता नहीं था, कई टेक्निकल टर्म्स मुझे पता नहीं थी, वो आज मालूम पड़ रही है। अब यहाँ पे इसका एंगल्ड ब्लॉक लगाना है हमें, ये रख तो दिया लेकिन रोटेट नहीं है, तो यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं इसको, और ये यहाँ पे सेट हो गया है मेरे ख्याल से, नहीं हुआ, एक और बार रोटेट करना पड़ेगा इसको, फिर से रोटेट करते हैं और यहाँ पे बैठ गया है। अब बारी है यहाँ पर हमारे इसका नए पार्ट को लगाने की, जिसका नाम है विंग्स। विंग्स लगाना है, ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जब प्लेन बन के तैयार होगा और जब उड़ेगा, अगर उड़ने का ऑप्शन होगा इसमें, तो मैं देखना चाहूँगा किस तरह से बनता है ये प्लेन, किस तरह से बनता है। यहाँ पे हमें प्लेन की जो डिज़ाइन है शेप है वो बदलना है। कभी आपने कभी स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ हल्का सा रोटेट होता हुआ देखा होगा आपने, जब भी देखा होगा प्लेन का जो विंग्स होते हैं वो हल्के से थोड़े बहुत डायरेक्शन में रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होते, पूरी तरह से रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, लगभग ये वही बताने की कोशिश की। यहाँ पे डन करते हैं हम लोग। अभी तक प्लेन किसी हिसाब से प्लेन जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से बन के निकलता है फाइनल जो बनेगा प्लेन, वो कैसा होगा। हमारा पहला प्लेन यहाँ पे बनता हुआ, और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त बने। देखिए, अब यहाँ पे नीचे का विंग्स, लैंडिंग गियर, ये सब चीज़ें लगेंगी। कुछ कुछ नाम तो मैं भूल भी गया था कि भाई क्या कहते हैं इनको, इस पर भी कैटेगरी है, लैंडिंग गियर है, रेक्टेंगल गियर है, लार्ज रेक्टेंगल है, विंग लैंडिंग है, अरे बाप रे। और इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है, इनका वजन भी मिलता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है अगर हम देखें, अगर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इनके नाम मैं भूल गया था, प्रोपल्शन यहाँ पर है, किस चीज़ से क्या होता है प्लेन में, क्योंकि इस प्लेन ने जो दुनिया का जो ट्रैवल करने का नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो विंग्स लगाए हैं उसका ब्लेड काउंट हमने 4 रखा है, 4 से काम नहीं होगा, 5 विंग्स लगे हैं इसमें, और कम से कम विंग्स का जो एरिया है वो तो मुझे अब प्लेन जैसा लग रहा है। विंग्स का जो एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, विंग्स का जो एरिया, मैं थोड़ा सा इसे सेट करूँगा, कैमरा एंगल बदला है मैंने, और यहाँ पे इसको मैं रोटेट करके, हाँ अब सही है, इसको फिर से एडिट करते हैं हम लोग फटाफट। कंट्रोल थोड़े बहुत मुझे क्लियर हो गए पहले से ज़्यादा, तो मुझे आसानी हो रही है इसे सेट करने में, बहुत बढ़िया है लग रहा है, कम से कम ऊपर से तो लग रहा है कि हमारा प्लेन कुछ है। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ये जो चीज़ है वो प्लेन को स्टेबल करता है आकाश में। अगर जब हवा ऊपर नीचे होती है, राइट लेफ्ट चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो बहुत बड़ा विज्ञान इसके पीछे है
हम लोगों को इतना आइडिया है नहीं अभी इसके बारे में, प्लेन के बारे में, लेकिन जो है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये जो हमेशा ऊपर लगा रहता है, ये भी वर्टिकल स्टेबलाइजर है, वो हॉरिजॉन्टल था जो कि नीचे की साइड का एक्शन होता है, ये वर्टिकल है एक जो खड़ा होता है वो। ये चीज़ हर एक प्लेन में होती है, अगर आप देखेंगे हर एक प्लेन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं हम लोग अपनी प्लेन की डिज़ाइंस को और उन पर काम कर सकते हैं। हाँ ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, पीछे लेना है क्या? हाँ पीछे लेना है, हमने साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी और मुझे इंतज़ार रहेगा कि जब हम अपने नए प्लेन बनाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के तब क्या होगा, तब मुझे देखना होगा। लैंडिंग गियर देखिए पीछे के पहिए पर भी होता है, जो लैंडिंग गियर होता है वो पीछे की तरफ भी होता है। इस बार रिट्रेक्टेबल गियर है, ये रिट्रेक्टेबल गियर है। चलिए लगाते हैं इसको, फिट करते हैं, देखने में कैसा लग रहा है मैं देखना चाहूँगा जूम करके। अच्छा रोटेट करना है इसका जो पीछे की साइड आ गया मुँह, ये सही है, काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है प्लेन का। एक्चुअली ये पैसेंजर प्लेन नहीं लग रहा है ये, मुझे जो वो होता है ना क्या कहते हैं हमारे ड्रोन्स टाइप का लग रहा है। अब हमें मिरर करने को कह रहा है, अरे वाह भाई, यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं आपको पहले कैमरा एंगल सेट कर दूँ, किस तरह का लग रहा है हमारा प्लेन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया यार, स्क्रीनशॉट तो बनता है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में, बहुत कलरफुल भी है। आगे का कलर देखिए ब्लू कलर का विंडशील्ड है, उसके अलावा जो नोज़ है आगे की और ऑरेंज कलर का, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन आ रहा है। अगर कैमरा एंगल की बात करते हैं हम लोग तो ये सब कैमरा एंगल हैं अलग अलग, ये कैमरा एंगल है आगे से भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ है टेस्टिंग, कलर का भी ऑप्शन है, ये चीज़ तो मैं भूल गया है, क्या बदल रहा है, रेड कलर हो रहा है कुछ। अरे भाई जबरदस्त, ब्लू एंड एंगल, अरे वाह, डिजर्ट ना भाई, रेड मस्त था रेड, अरे भाई ग्रीन स्लाइम, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त लग रहा है। ये भी मोनोक्रोम ऑरेंज एंड ब्लैक, तो भाई जबरदस्त कस्टम, हाँ भाई ये कस्टम मैं रखना चाहूँगा। क्या कलर बदल रहा है यहाँ पे, कुछ अलग ही करते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी आइडिया है नहीं क्या आउटपुट आएगा। जब मैं सोच रहा था तो बहुत आसान लग रहा था लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, रेड रखता हूँ क्योंकि एक एक चीज़ बदलनी है आपको। एक एक चीज़ आपको बदलनी है, अब ये कौन सी चीज़ है, यही ठीक है, मुझे तो यही ठीक लग रही है। ये क्या है, ये चीज़ क्या है भाई, क्या बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। अच्छा ऐसे कलर पे क्लिक करने पे डायरेक्ट कलर बदल सकते हैं हम लोग, ब्लैक ही ठीक लग रहा है मुझे तो, ब्लैक ही ठीक लग रहा है। ये मेरा अभी का पहला प्लेन लग रहा है, लेकिन मैं इसे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उन्हीं में से कोई एक लूँगा। रेड एंड वाइट हैं ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास ब्लू एंगल है, ब्लू एंजल है। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लग रही है कि ये कलर बदलना रह गया, ये ऑरेंज जो कलर है ये एक्चुअली ऑरेंज नहीं है, ये गलती से डिफ़ॉल्ट हो गया मेरा और इसके कारण पूरा खेल बदल गया इसका। मैं चाहता हूँ इसको कलर बदलना यार, हाँ ये ठीक है, अरे ये तो कस्टम आ गया, रेड एंड वाइट रखता हूँ मैं कंफर्म, ये मुझे कलर बदलना है पर कलर बदल क्यों नहीं पा रहा मैं, मालूम नहीं पड़ रहा मुझे। एक ही चीज़ है डिफ़ॉल्ट में, अगर जाता हूँ मैं यहाँ पे कलर बदलता हूँ नहीं बदल सकते, यहाँ पे तो ब्लैक साइन है तो यहाँ क्यों ऑरेंज आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी में हमें यही करना पड़ेगा फिर। ब्लैक साइन ये है, अरे यार बहुत कंफ्यूजन है ये तो, ये मुझे रेड लाना है, ये जो पीछे रेड देख रहे हैं अब ये वाला साइन, ये मुझे बदलना है, ये साइन बदलना है, ये है क्या, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ डिज़ाइन वो नहीं मालूम पड़ा। कोई बात नहीं, मजबूरी में अब यही रखना पड़ेगा क्योंकि और कुछ ऑप्शन हो नहीं रहा, जल्दी बदल यार,
डिफॉल्ट ये ऑरेंज क्यों आ रहा है ये नहीं मालूम पड़ रहा मुझे, सब ठीक है, ये ऑरेंज क्यों आ रहा है ये मुझे बता दो कोई। कोई बात नहीं, प्ले करते हैं हम लोग, लोडिंग हो रहा है लेवल हमारा, और हमारा प्लेन रेडी होने के लिए, फ्लाई के लिए तैयार है। अरे भाई वाह, इंक्रीज टोटली स्पीड बढ़ती है। प्लेन क्या निकल सकता है क्या अभी भी, क्या सही में निकल सकते हैं अभी, क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ भी, और किनारे पे लगभग लगभग पहुँच गए ये, मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। मैं थ्रोटल अगर फाई देता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया है। अच्छा लैंडिंग गियर रिट्रैक्टिंग हो रहा था यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है पीछे कैमरा। मैं नहीं चाहता उधर जाए, मैं चाहता हूँ दूसरी दिशा में जाए। पर ये था हमारा ऑटो पायलट, ऑन कर देते हैं यार। अच्छा ऑन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये था हमारा पहला प्लेन और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आइडिया मिला है कैसे कैसे बन सकते हैं प्लेन, और अगर कस्टम प्लेन बनाने का ऑप्शन आएगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा एक कस्टम प्लेन, और आप लोगों के लिए गेम प्ले बनाऊंगा, कस्टम गेम प्ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे है बिल्ड एंड फ्लाई है, डॉग फाइट है, रेस अगेंस्ट ओपोनेंट है, और डाउनलोड प्लेन्स भी हैं। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ, और अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो अपलोड करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, और जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।